श्री राम। ये क्या मेरा स्वर कहीं से टकरा कर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है? जैसे नागपाश के संकट से हनुमान ने सबको उबार लिया था, उसी प्रकार वो इस ब्रह्मास्त्र के पहाड़ से भी भैया लक्ष्मण और सभी वानर योद्धाओं के जीवन में आए हुए संकट का मोचन भी अवश्य कर देंगे। अच्छा, तो कोई आवाज अदृश्य रूप में यहाँ स्थित है। कदाचित वो आवाज सुशेर जी का ही होगा। उसे देखने में माँ कुष्मांडा देवी का वरदान मेरी सहायता करेगा। हे माता कुष्मांडा, मुझे अदृश्य को देखने की शक्ति का वरदान आपने दिया था, आज मुझे उस वरदान की आवश्यकता है। मुझ पर कृपा करें माता। हे माता गौरी, हनुमान पर कृपा करें, उनकी सहायता करें माता। ये अद्भुत भवन, मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये भवन सुशेण जी का है या किसी अन्य का। ये वैज्ञानिक यंत्र स्वर्ण पात्रों में भरी हुई भस्म अवश्य ही ये लंका के राजवैद्य सुशेण जी का आवास है। ये हैं राजवैद्य सुशेण जी। प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ही शीघ्रता में ये कोई औषधि बना रहे हैं। इनसे चलने के लिए आग्रह करता हूं। कोई आ रहा है। कहीं ये राक्षस सुशेण जी के लिए कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं? मुझे सुशेण जी से बात करने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सुशेण जी को बिना कोई क्षति पहुंचे यहां से बाहर कैसे ले जा सकता हूं। हाँ, ये राक्षसी सेना सुशेण जी का भवन घेरे हुए हैं। मेरा अनुमान सत्य था। इन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं सुशेण जी को लेने यहाँ आया हूँ। युवराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भले ही अभी कुछ भी ना हुआ हो, किंतु भविष्य में उसके परिणाम अवश्य आने वाले हैं। मुझे अग्रिम रूप से उसके लिए औषधि तैयार करनी ही होगी। सुनो मेरे रक्ष वीरो, वानता सब स्तर करेना। यदि वो वानर इस और आता दिखाई दे तो शीघ्र ही मुझे इसकी सूचना देना। इस बार वो वानर मेरे मायावी खड़क के सामने नहीं टिक पाएगा। स्मरण रहे, उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। ये भी आ गया यहाँ। अब तो सुशेण जी से आग्रह करने से बात बिगड़ सकती है। वो राक्षसों को मेरे बारे में बता सकते हैं और इन राक्षसों से निपटने में व्यर्थ ही समय नष्ट हो जाएगा। वहाँ प्रभु भी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है हनुमान जी सुशेण को लाने में अवश्य सफल होंगे, अन्यथा यदि मेरे लक्ष्मण के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो भविष्य में कोई भी अनुज भाई अपने ज्येष्ठ भाई की सेवा करने में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे।
हाँ प्रभु, राता लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान वैद्य सुषेण को लेकर अवश्य आएंगे। आज यदि भ्राता रावण भी उनके मध्य आए तो हनुमान को रोक नहीं पाएंगे। मेघनाथ, तुम तो क्या, तुम्हारा पिता रावण भी हनुमान को रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए ये रामदूत हनुमान सुषेण जी को लेके ही जाएगा। जय श्री राम। विद्वानी कैसी? तो मेरी युक्ति काम कर ही गई, सारे मूर्ख राक्षस उसी ओर बढ़ लिए। एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं। ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाथ, वानर तो उस ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे। जय श्री राम। काका कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़क से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्त व्याध सुषेण का आवास भी, और अंत हो जाएगा व्याध राज सुषेण का। जय श्री राम। ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाथ के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या, ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है, फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करे वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दंड की नहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है, अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये वानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके ही जाता है। क्या बला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। पिताश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे।
सब कुछ ज्ञात है। वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया। उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। हनुमत सुषेण भवन संग लाई, जो देखी अचरज हर्षाई। सूचना जीवित वैदेही लाए, मंगल करते पवन सुताए। कोसो विघ्न व कोसी बाधा, बजरंगी हर काज को साधा। नाम कपि मंगलमय आसा, अंजनी पुत्र तिनिर्म उजासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु 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 प्रभु, माता सीता जीवित हैं। सीता, तेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी माँ जीवित हैं। प्रभु, उस दुष्ट मेघनाथ ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं, सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ। प्रभु प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपने सुदबुद्ध गवां बैठा था। मेघनाथ की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं भी तो भ्रमित हो गया था ना। ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है। तुम असीम मातृ प्रेम के कारण भ्रमित हुए, और मैं पत्नी प्रेम के कारण। प्रेम कभी कभी मन को दुर्बल कर देता है, और मन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं ये राक्षस। हनुमान ने जो कुछ भी देखा वो विद्युत जिह्वा द्वारा उत्पन्न की गई माया थी, और उसी माया से एक बार रावण ने माता सीता को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। प्रभु, यही है वैद्यराज सुषेण जी। प्रणाम वैद्य जी। और सुषेण जी, ये हैं। सूर्य को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती हनुमान। प्रभु के श्रीमुख मंडल का तेज स्वयं उनका परिचय दे रहा है। रक्ष वैद्य सुषेण का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। सुषेण जी, ग्रहण लग गया है सूर्य।
मेरा तेज तो मेरे अपनों से ही था, किंतु अनुज लक्ष्मण और इन सब की ऐसी दशा ने ग्रस लिया है मेरे तेज को। ये तो गंभीर रूप से आहत दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुषेण जी, इन्हीं के उपचार के लिए आपको यहां बुलाया गया है। सुषेण जी, आप महाअनुभवी हैं, इन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को नष्ट करने में निपुण होंगे आप। भले ही आप हमारे शत्रुओं की नगरी लंका के राजवैद हैं, किंतु एक चिकित्सक का धर्म होता है पीड़ित को पीड़ा से मुक्त कराना, भले ही वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। प्रभु, मैं चिकित्सक धर्म का कठोरता से पालन करता हूं, आपके अनुज का उपचार मैं अवश्य करूंगा। सेठ जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस भयंकर अवस्था से शीघ्र ही उबार लीजिए, जिससे हम इन्हें भी इनकी भाभी मां की कुशलता का शुभ समाचार सुनाकर हम सब आनंद उत्सव मनाएं। आश्चर्य प्रभु, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लंका समेत समस्त पृथ्वी में महाविनाश मच सकता था, उसका प्रभाव इतना सीमित कैसे हो गया? बिना किसी दैवीय शक्ति की सहायता के यह संभव नहीं हो सकता। उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए कुमार लक्ष्मण सहित अन्य वानर योद्धाओं का उपचार किया जा सकता है। सुषेण जी, आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। जिस वानर ने ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र को अपने सीने से रोक के उसके प्रभाव को न्यूनतम कर दिया हो, अब उसे किस अस्त्र से परास्त किया जा सकता है? महाराज, तुमने क्या मुझे मेघनाथ समझ रखा है? तो छोटी मोटी मायावी तलवार को लेकर निकल पड़ूंगा उस वानर को मारने के लिए। अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिसे स्वयं महादेव को सहन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वो तुच्छ बानर क्या सहन करेगा उस वार को? मुझ में ब्रह्मास्त्र का वार सहने की शक्ति कहां है? मेरी शक्ति तो स्वयं प्रभु श्री राम है, इनका नाम इनकी भक्ति है, इन्हीं की कृपा से मुझ में ये सामर्थ्य आया है। मेरे समस्त कार्य प्रभु श्री राम जी के शुभ आशीष से ही संपन्न होते हैं। वैद्यराज जी, अब आपके उपचार कौशल का समय है।
उपचार कीजिए लक्ष्मण भैया का, शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए इन्हें। जिस समय मेघनाथ ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसी क्षण मैंने उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया था, किंतु प्रभु, शोध के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। किंतु सुषेण जी, ये चारों बूटियां तो दुर्लभ हैं। लंका में इनका होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, ये जड़ी बूटियां यहां उपलब्ध नहीं हैं। ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। इन्हें लाने के लिए सुदूर उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी और इन्हें लेकर सूर्योदय के पूर्व वापस भी आना होगा। एक सच्चा भक्त ही ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से उनके सेवा के लिए तत्पर रह सकता है।